हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, पश्चिम बंगाल में वो दावा करती है कि मैंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, भाजपा तो महिलाओं के खिलाफ करती है। सर ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो बहुत सपोर्ट है मोदी जी सर, से मैंने आपको पहले भी कहा संदेश खाली में एक बार भी ममता बोली? संदेश खाली के अंदर हजार महिलाओं का रेप हुआ, एक बार ममता नहीं बोली? चार साल की बच्ची का रेप होता है, एक बार ममता नहीं बोली? हाँ, दो बदायूं में दो बच्चों की हत्या कर दी जाती है, एक का एक 36 चोरों का ट्वीट नहीं आया। अंसारी मरता है तो सब पीछे पड़ जाते हैं, शास्त्री जी की जांच नहीं हुई, अंसारी जी की जांच करा रहे हैं, तो सर कहाँ का लोकतंत्र कहाँ का दिखा रहे हो आप? देखो जो 8500 के खटाखट की वजह से सीटें आई है ना, मिल गए 8500 गर्मी के अंदर, उनको इलाज आयुष्मान योजना में मिला है, समझ रहे? गर्मी के अंदर खड़े उन महिलाओं को आयुष्मान कार्ड से ही इलाज करवाया मिला है, क्योंकि उन्हें लू लग गई खड़े 8500 के चक्कर में खड़े उन्हें लू लग गई। ये जो 24 का लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद हमने देखा कि भाजपा 400 पार की बात कर रही थी, 240 पे आके सिमट गई। जो दावे किए जा रहे थे मोदी जी के नाम पर वो वाली बात हुई नहीं है। इंडिया अलायंस जो है बार बार ये कह रहा है कि अब जो है करिश्मा खत्म हो गया मोदी का, इनका टाइम चला गया है, अब जनता समझदार हो गई है, आपको भी लग रहा है कि मोदी का वो जमाना, मोदी का एरा खत्म हो गया है? देखिए चाहे कितने से भी जीते, चाहे उनके पास सीटें आई है ना आई हो, सप्ताह में तो वही आई है, सप्ताह में है। हाँ, क्योंकि यूपी वालों ने कुछ धोखा दिया, वो कोई बात नहीं, उसका कोई बात नहीं, जीती तो मोदी जी। धोखा कह रहे, मुआवजा नहीं मिला जनता की अपनी समस्या नहीं, ठीक है मानते हैं वो सब ठीक है, बट स्टिल मतलब उन्होंने इतना बड़ा काम किया, राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बहुत अच्छा किया, हमारे प्रभु आए हमारे दर पे, बहुत अच्छी बात है, पर वोट जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था हमको, वहाँ से नहीं आया, यूपी से नहीं आया, क्यों पता नहीं वहाँ के क्या है। अखिलेश यादव जो है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ के लोगों में, जो संविधान वाली बात थी, लोकतंत्र वाली बात थी, लोगों ने उसको थोड़ा सीरियस ले लिया कि बाकी में मोदी गवर्नमेंट आ गई तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत लोकतंत्र है, लोकतंत्र लोगों को नहीं पता है, अभी किसी से पूछो कि कुछ भी पूछ लो आप लोकतंत्र के बारे में, किसी को ये, हाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र तो यही है कि हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस लोगों ने ये बनाया हुआ है कि मोदी आएगा तो वो होगा, गरीबी आएगी, ये आएगी, वो आएगी। देश में महिलाओं को लेकर बड़ी पॉलिटिक्स होती है, ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि मेरी पार्टी में 38% महिलाओं का मैंने कहीं ना कहीं भागीदारी दी है, उनका रिप्रेजेंटेशन है। मोदी सरकार आरक्षण लेके आई 33%, पर वो केवल एक चलावा था, हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, पश्चिम बंगाल में वो दावा करती है कि मैंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, भाजपा तो महिलाओं के खिलाफ करती है। सर ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो बहुत सपोर्ट है मोदी जी सर, से मैंने आपको पहले भी कहा संदेश खाली में एक बार भी ममता बोली? संदेश खाली के अंदर हजार महिलाओं का रेप हुआ, एक बार ममता नहीं बोली? चार साल की बच्ची का रेप होता है, एक बार ममता नहीं बोली? हाँ, दो बदायूं में दो बच्चों की हत्या कर दी जाती है, एक का एक 36 चोरों का ट्वीट नहीं आया, अंसारी मरता है तो सब पीछे पड़ जाते हैं, शास्त्री जी की जांच नहीं हुई, अंसारी जी की जांच करा रहे हैं, तो सर कहाँ का लोकतंत्र कहाँ का दिखा रहे हो आप? तो ये इतना एकजुटता दिन में बनी हुई है ना, इंडिया अलायंस तो बार बार हर मोर्चे पर यही कहता है कि हम तो लोकतंत्र के लिए हैं, हम तो संविधान के लिए हैं, हम तो भारत की आत्मा को बचाने के लिए। जिनके बाप दादाओं ने हमारा ही संविधान था कि एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, मोदी का संविधान होता तो भाई साहब मोदी का प्रधान, सुनो एक चाय वाले का संविधान है कि तुम्हें अब सीट पे आने नहीं देंगे चोरों को, समझ रहे हैं? ये मोदी का संविधान है। आपको लग रहा है क्या ये अब अखिलेश यादव जो है ये भारत की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन गए हैं, राष्ट्र पार्टी बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, कह रहे ये जिनके साथ रहते हैं उनका भला होता है, भाजपा का वहाँ बेड़ा कर? नहीं देखो ये है, कुछ सीटें तो आई हैं उनके पास, एक सेकंड जो लोकसभा में 30-35 सीटें आई हैं उनके पास, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास भी जनता का समर्थन है, इसका मतलब अखिलेश यादव के पास में कुछ तो समर्थन है। आरोप लगता है वैसे ही दिखावा था क्या? गुंडा राज का आरोप तो जो लगता था उस समय पर वो बिल्कुल ठीक था उन पर, क्योंकि उस समय पर निसंदेह गुंडागर्दी थी। नहीं वो नहीं, अखिलेश यादव ग्रो करे हैं, जरूर करे हैं, और दीदी के साथ में मुलाकात थी उनकी, पांच पार्टियां है ना, टीएमसी कांग्रेस और समाजवादी, तीन बड़ी पार्टियां हैं जिससे मिलकर बीजेपी का ये सरकार गिराने में, बड़ी पार्टियां थी गिराने में, सरकार गिराने में तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अब ये लगता है कि ये सरकार ज्यादा ये 5 साल कर लेगी, इस पे डाउट है। इतनी बढ़िया पार्टी थी, इतनी बड़ी पार्टी थी कि 232 भी नहीं ला पाए, 230 बताओ, इतनी बड़ी पार्टी है टीएमसी। अरे सर सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो, ये टीएमसी, ये कांग्रेस, ये साइकिल, सर साइकिल तो निकल गया हाथ धोने, समझ रहे हैं? अब आपको एक बात बताऊं,
हाथ से साइकिल चलाओ और भग जाओ। एक चीज सुनो मेरी बात भैया, अयोध्या जीते, वो प्रयागराज जीते, नासिक जीते, रामेश्वर, एक मिनट भाई, देखो मेरी बात सुनो, जो चुनावी रिजल्ट की जो आप वो आकलन करोगे तो अयोध्या जीते, वो रामेश्वरम जीते, नासिक जीते, प्रयागराज जीते, ठीक है, काशी मोदी जी हारते हारते बचे हैं, उसका खून मोदी जी, हाँ अभी बद्रीनाथ मोदी जी का, एक मिनट, मोदी जी का खुद का जो स्थान है अपने 240 चुने हुए सांसदों में, 140वां स्थान है वोटों से, वो खुद अपने सांसदों में। सर चलो अयोध्या हार गई, ये हार गए, अजमेर कैसे जीत गए मोदी जी? दिल्ली में जो हजरत अली वो है, ये कैसे जीत गए? एक आप बात बताइए, तो अल्लाह की भी कृपा होगी थोड़ी सी मोदी जी के ऊपर, एक बात बताइए। माना सर, जो राम को लाए ना, हम बता रहे हैं, जो कहते हैं ना अरे राम को तुम कैसे ला सकते हो, सर वही श्री कृष्ण है जो तीन लोकन, जो भागवत में कहता है, सुनो, जो भागवत में कहता है कि यदा यदा ही धर्मस्य। सर एक आप बात बताए, ये जो बात करते हैं, ये हार गए वो हार गए, हजरत अली कैसे जीत गए? राम के बात करते हैं, ये क्या नाम है, ये हजरत निजामुद्दीन कैसे कैसे जीत गए? हजरत अली राजस्थान में, प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है समाजवादी पार्टी को। एक मिनट आप बात पूरी सुना करो। अरे भाई, अरे उससे बात मत कर, कैमरा इधर बड़े भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है ना? नहीं राम, ये मैं कह रहा हूँ राम मंदिर, अरे सुन तो लीजिए, वही तो मैं राम का आशीर्वाद जो है समाजवादी पार्टी को मिला कि नहीं मिला? चुप होना भी होता है भाई, सुनना भी होता है, शांति रखिए। इन्होंने कहा कि मोदी जी 126 सांसदों में से 126वें नंबर पे हैं, हाँ रहा ना। अरे भाई, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को असंवैधानिक घोषित, अरे पूरी बात तो सुनिएगा यार, वो संविधान की बात बता रहे हैं, जब इंदिरा गांधी को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, फिर भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा, ये कॉन्स्टिट्यूशन था कि बिल्कुल गलत है, इमरजेंसी का कौन तो गलत था ना, तो गलत था ना, ठहरिएगा, सॉरी, सिर्फ इमरजेंसी नहीं थी। अरे एक मिनट छोटे भाई, बोलते आप ही, इन्होंने बोला, एक सेकंड, अभी आपने बोला अयोध्या हार गए, रामेश्वरम हार गए, चार पांच और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी गिनवा दी, राइट? हाँ एग्जैक्टली, धर्म वाली बात, एग्जैक्टली। इनसे जरा ये पूछिए, जो कांग्रेस अपना इतना छाती पीटती आ रही है, तीसरी बार कांग्रेस लगातार हारती आ रही है, थोड़ी वो सीट भिखारियों को भीख में मिल गई, दैट डजंट मीन कि कांग्रेस सत्ते में आ गई। सर एट द एंड ऑफ द डे सुनो, जो 8500 खटाखट की वजह से जो यूपी में सीटें आई है ना, सुनो सर, लिसन टू मी, देखो जो 8500 के खटाखट की वजह से सीटें आई है ना, मिल गए 8500, गर्मी के अंदर उनको इलाज आयुष्मान योजना में मिला है, समझ रहे, गर्मी के अंदर खड़े उन महिलाओं को आयुष्मान कार्ड से ही इलाज करवाया मिला है, क्योंकि उन्हें लू लग गई, खड़े 8500 के चक्कर में खड़े उन्हें लू लग गई, उन्हें आयुष्मान योजना से कार्ड से ही इलाज कराना पड़ा। जो बात करते हैं ना इंदिरा गांधी की, सर सुनिए, इंदिरा गांधी की, और सुनिए, ये महात्मा गांधी ये पिता है, सर सुनिए, अभी एक पीछे क्या कह गया, अरे महात्मा गांधी जी के लिए ऐसे मत बोलिए, अरे हमने महात्मा गांधी के लिए क्या कह दिया, वो तेरा पिता होगा, मेरा पिता तो मेरे घर पे एक ही है भाई, तुम्हारे दो पिता होंगे भाई। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी, मैंने नहीं दी, आपने नहीं दी राष्ट्रपति, अच्छा आप रुको, एक मिनट रुक जाओ भाई, जो भाई पहली बात तो ये, आप जनता के विवेक पे प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, उन्होंने 8500 देख के दिया या क्या देख के दिया है, वो सबकी बात नहीं है, उनको भीख भी नहीं उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के चुनाव को कोई जीतता, कोई भी हो, निर्दलीय भी हो, उसको ये नहीं कहना चाहिए कि भीख में मिल गई, बात तो यही है। नहीं देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी, वो पप्पू है, वो राका नहीं है, सुनिए, वो पप्पू है जो हफ्ते में 52 बच्चे पैदा करा रहा हो, सुनिए, जो चील कौओं को रोजगार दे रहा हो, जो टाइलों में अनाज लगवा रहा हो, सुनो, जो अपनी बहन को दो बार पप्पी दे रहा हो, इनसे ये पूछिए, जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोला कि हिंदू हिंसक है, इनका क्या बिल्कुल क्या है? वो बिल्कुल पूरे समाज के लिए नहीं बोला था, वो आरएसएस, बीजेपी और हिंदू महासभा के लिए बोला था। नहीं, उन्होंने, आपने सुना भाषण, बिल्कुल भाषण सुनो, उन्होंने उसी भाषण के अंदर हिंदुओं को अहिंसक और सत्य का प्रतीक भी बताया कि नहीं बताया? चलो ठीक है, अगर मोदी जी चले गए मैं आपको बताता हूँ, देखो शुक्रवार को अखिलेश प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि उन्हें नमाज पढ़नी होती है, शनिवार को ममता बनर्जी, ठीक है, संडे को पप्पू जिसे कुछ काम नहीं है क्योंकि संडे छुट्टी होती है, मंडे भाई साहब बनेगी अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, ट्यूसडे कौन बनेगा, ट्यूसडे है कोई वाला भाई साहब, कोई है बिना मांस वाला जो मांस ना खाता हो, ट्यूसडे चलो किसी और को बना देंगे जो मांस ना खाता हो, ठीक है, वेडनेसडे कौन बनेगा,
वेडनेसडे भी लगा दो। कब खाओ कब ना खाओ सर मैं बता रहा हूँ ना, चलता ही है। लालू जी बना दे दो। देखो देखो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कहलाएगा, तो ये बात हकीकत है सर, ये झूठ नहीं है। वो भी उल्टा जनेऊधारी ब्राह्मण, प्याज लहसुन भी नहीं खाने वाले ब्राह्मण। हाँ जो सावनों में वो मीट खाते हैं, जिसकी बहन वो पिंकी कहती है, पिंकी कहती है कि मैं हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, कश्मीरी पंडित है। माँ इटली से आई है तेरी, तुम कश्मीरी पंडित हो। अबे यार कुछ तो शर्म करो सर। ये सुनो, ये हिंदुओं को दिखाने का ना सिर्फ एक खेल है, जैसे समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बचपन में यो चलाया करते थे, लट्टू चलाया करते थे, समझे ना। ये लट्टू चला चला के ना दिखा रहा है कि मैं हाथ में लेके भी दिखा रहा हूँ। जब किसी राक्षस को उद्घाट करना पड़ता था ना, तो वो साधु के भेष में आता था, समझ रहे हैं। जैसे ठीक है, रावण खुद आया, ठीक है। अब जैसे ये इन्हें पता है कि हिंदुओं को कैसे इनको नीचा दिखाना है, तो सर ये मंदिर चला जाता है, तिलक लगा लेता है। तो सर ये सब राक्षस ही होनी है।